लोगों को तरह तरह के शौक होते हैं। किसी को क्रिकेट खेलने का शौक होता है तो किसी को बास्केटबॉल। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आज छत्तीसगढ़ के एक ऐसे व्यक्ति की जो सांपों को पकड़ने का शौक रखता है। जी हां, कोरबा के बालको क्षेत्र में रहने वाले टीनू आनंद अब तक 10,000 से ज्यादा जहरीले सांप पकड़ चुके हैं। टीनू आनंद से जब हमारे संवाददाता राहुल गुप्ता ने बात की तो टीनू आनंद ने बताया कि आदिवासी लड़कों को सांप पकड़ता देखकर उन्हें भी पकड़ने की कला सीखने का मन हुआ और वह सांप में लग गए, जिसके बाद धीरे धीरे इस काम में निपुण हो चुके हैं कि अब तक 10,000 से ज्यादा सांप पकड़ चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें कई बार सांप ने काटा लेकिन जहरीले नहीं थे। एक बार जहरीले सांप ने काटा जिसका उपचार उन्होंने अस्पताल में कराया। तीनों आनंद के बारे में आपको बता दें, जब कभी भी क्षेत्र में किसी के घर आदि में सांप घुस जाता है तो लोग तीनों आनंद को ही खोजकर लाते हैं ताकि वह सुरक्षित रूप से सांप को पकड़ सके और उसे जंगल में छोड़ सके, जिससे कि रहने वाले आम जनमानस को भी खतरा हो और सांप भी सुरक्षित रह सके। वहीं तीनों आनंद से जब सवाल पूछा गया कि क्या वह इस कार्य को करने के कुछ शुल्क वसूलते हैं तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा यह निशुल्क काम किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में 5-6 प्रजाति के सांप विशेष रूप से पाए जाते हैं, जिसमें सबसे जहरीले सांप गेहुआ, केरेत और हरिराज है। बाकी सब सांप जहरीले नहीं होते हैं। उन्होंने अब तक 12 फीट के लंबे अजगर सांप तक को पकड़ा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल गुप्ता। मैं पहुंचा हूं कोरबा जिले के आज बालको क्षेत्र में। मेरे साथ में आज टीनू आनंद जी, जो 10,000 से ऊपर सांप पकड़ चुके हैं। आइए हम उससे बात करते हैं। क्या मेरा नाम टीनू आनंद है और वैसे लिखा पड़ी मैं उमेश त्रिपाठी नाम इस्तेमाल करता हूं। वार्ड क्रमांक 35 में मैं हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ। विगत 10-12 वर्षों से मैं सांप पकड़ रहा हूँ। आनंद जी बताएंगे अभी तक लगभग कितने सांप पकड़ चुके हैं? छोटे बड़े मिला के मैं 10,000 से ऊपर पकड़ चुका हूँ, जिसका मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूँ। सांप जो पकड़ते हैं इसमें क्या शुल्क लेते हैं? शुल्क कुछ नहीं रहता है और जो कोई सेवा भक्ति भाव से दे दिया वो बात अलग है, निःशुल्क सेवा रहती है अलग है। अभी तक आप कौन से बड़े बड़े जहरीले सांप पकड़ चुके हैं? छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 प्रजाति के सांप मिलते हैं, जिसमें सबसे जहरीला बोलेगा नाग गेहुआ जिसको बोला जाता है, और एक करैत है और एक अहिराज है। ये 3 सांप जहरीले अभी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, बाकी सांप सब नॉर्मल है जिनमें विष नहीं रहते। मतलब कितने सांप आप पकड़ चुके हैं और कहाँ का पकड़ चुके हैं? मैं वैसे आपको बता दूं, मैं ऑर्केस्ट्रा अनाउंसर हूँ और ये सांप पहले जब मैं शुरू में पकड़ता था तो मैं छिप के पकड़ता था, मुझे थोड़ी झिझक लगती थी। बाद में आस्ते आस्ते ये खुल के सामने आ गया और ये अपनी सेवा भाव में जुड़ गया और सांपों को पकड़ लिया। आप इतने सांप पकड़ चुके हैं, इस सांप में विशेष क्या रही सांप की? क्या विशेष सांप को जो पकड़े हैं आप? विशेष हमारे जो सांप पकड़े हैं अधिकतर नाग हमने जो पकड़ा था वो हमने चेक पोस्ट में पकड़ा था, एक बेला गछाल में, वो करीब 5-5 फीट के था, और एक सेक्टर 2 में पकड़ा था, एक हमारे टीचर हैं DPS के, उनके यहाँ बहुत बड़ा एक सांप पकड़ा था। 2-3 सांप हमने नाग में बहुत बड़े बड़े पकड़े। हमने आपके बहुत नाम सुने, बहुत कारनामे आपके देखे, कुछ तस्वीरें देखे जिसमें आप नाग मतलब अजगर सांप बहुत पकड़े। अजगर अजगर कम से कम मैं 300-400 अजगर हमने अभी पकड़े बड़े बड़े। लगभग सबसे बड़ा कौन सा अजगर? 12 फीट। वो हमें बालकोई के क्षेत्र में मिला था, बालको आवास में सेक्टर 3 में, वो करीब 12 फीट का सांप था। ये सांप पकड़ते हैं आपका क्या उद्देश्य है सांप पकड़ने का? सांप का तो अच्छा करना है, लोगों के यहाँ सांप निकल जाते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं, हमारा काम है सांप को निकाल कर जंगल में हम छोड़ देते हैं, उसे मुक्त कर देते हैं। ट्रेनिंग क्या है? मैं पहले जमशेदपुर में था, वहाँ कुछ झारखंड आदिवासी लड़कों के साथ मैं रहता था, वो शिकार करते थे तो मैं उनके साथ जाता था, तो वो लोग सांप कैसे पकड़ते थे कुछ हमने उनसे ट्रिक सीख, वो आज मेरे काम आए। सांप पकड़ते कभी आपको सांप ने काटा? कई बार काटे हैं। तो आपको एक आध बार जो जहरीला जैसे सांप काटा था उसके लिए मैं 100 बैठ गया था और उन्हें एंटीवेनम का वो उपचार किया और 1.5 घंटा रखा उसका डिस्चार्ज कर दिया, सांप का जहर हमारे शरीर में फैल नहीं पाया। और बाकी ये धमना अजगर गुस्से ये सब सांप काटते रहते हैं तो मैं जैसे ही सांप काटता है मैं उसे डिटोल वगैरह सब रोक देता हूँ, सुरक्षित कर लेता हूँ अपने आप। मेरा नाम नीलांशु वर्मा,
कितने साल से देख रहे हैं आपको हम लोग भैया को टीनू आनंद के नाम से जानते हैं, ये ऑर्केस्ट्रा के भी बहुत बड़े कलाकार हैं और हम बचपन से देख रहे हैं। हमारा 30 साल उम्र है और हमारे पिताजी के साथ ये ऑर्केस्ट्रा किए हैं, उसके बाद ये लगातार कई वर्षों से सांप पकड़ते आ रहे हैं और बहुत से अनेक सांप पकड़ते हैं, कोबरा, बहुत से प्रकार का कोबरा, और आप देखे होंगे अभी 2-3 सांप लेके पकड़ के ला के अभी उसको छोड़ने जाएंगे जंगल में, और ये जंगल में ही छोड़ते हैं। निःशुल्क सेवा करते हैं, ये निःशुल्क सेवा है, जहाँ बोलते हैं वहाँ, और घर के अंदर में कहीं भी सांप भूसा रहता है, चाहे कुकर के अंदर रहे, वो अपने पता चल जाता है और अपना कुकर को ला के बाहर रख के जैसे भी है, मतलब सुरक्षित, किसी भी प्रकार के घर वाले को बाहर करने के बाद सुरक्षित अपना काम करते हैं, कोई किसी भी प्रकार की आज तक कोई भी परेशानी नहीं हुआ है, और इनके लिए बालको मैनेजमेंट जहाँ है, प्लांट कहीं भी जाके पूरे बालको क्षेत्र कोरबा तक इनको लेके जाया जाता है।